Hello friends, this is Rajesh, welcomes you in our YouTube channel. आज का जो ये वीडियो है थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो वैकेंसी है वो कहाँ आई है बिहार में, जो जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो उसमें उसको देख करके सबसे पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे ये हमने ऐसा सोचा है कि आपके मन में शायद इस टाइप के टोटल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये वैकेंसी जो है कौन से डिपार्टमेंट में आई है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई है और कितना सीट है, ठीक है। सबसे पहली बात कि कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ ये वैकेंसी आई है, कितना सीट है उसमें और कौन से ब्रांच के लिए आई है, किस ब्रांच जैसे और हर ब्रांच में कितना कितना सीट है, ठीक है। तो ये सब बात कॉन्ट्रैक्ट है कि परमानेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट वैकेंसी है, ये सब बारे में भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। और सबसे पहली और नेक्स्ट बात कि ये आप भर सकते हैं किसको नहीं भर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं, ये सब भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि फ़ी कितना है, फॉर्म भरने का फ़ी कितना है, सैलरी कितना देगा, ठीक है, कब से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट इसका कब का होगा। मेनली इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है इस वीडियो को देखने का और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जितनी सारी अपडेट्स हैं, ठीक है, फॉर्म कैसे भरेंगे, जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो मैनुअली आपको फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या भरना है और कैसे होगा। तो एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो इससे जुड़ा हुआ इससे जुड़े सारी अपडेट जो हैं यहाँ पे मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर से अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अपडेट रहे आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ जो आपके माइंड में होंगे, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे और सारे क्वेश्चंस का जो आपके समाधान होगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो देखिए, नोटिफिकेशंस जो आया हुआ है वो बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग यानी कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट से आया हुआ है कि आज ही आया हुआ है ये वैकेंसी, आज ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। कल मुझे इसकी जानकारी मिल गई थी क्योंकि पेपर में भी दिया हुआ था तो हमने उसको नहीं बताया, लेकिन मैं ये परमानेंट जो निकलता है नोटिफिकेशन उसका मैं वेट कर रहा था, ठीक है। तो आज ये नोटिफिकेशन आया हुआ है तो देखिए लिखा हुआ है, और ये सबसे पहले जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त कनीय अभियंता, कनीय अभियंता मीन्स जूनियर इंजीनियर, ठीक है, कनीय अभियंता मीन्स जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का है, और असैनिक, सिविल, यांत्रिक, मैकेनिकल और विद्युत इलेक्ट्रिकल, ये तीन ब्रांच के लिए है, ठीक है, ये तीन ब्रांच के लिए है। और नियुक्ति होने के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक यानी कि जो रेगुलर जो रिक्रूटमेंट है उसके होने तक आपको सामान्य प्रशासन विभाग के जो कुछ है उसमें 463 टोटल पद के लिए संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है ये नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों में आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है, टोटल 463 पद हैं और 463 में जो है 377 जो है सिविल वाले के लिए है और मैकेनिकल के लिए 44 और इलेक्ट्रिकल के लिए 42 सीट है टोटल, ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए है। तो इसमें जो है सब अनडिजर्व के लिए 154 सिविल में और मैकेनिकल में 18 और इलेक्ट्रिकल में 16 है, और जो भी है कैटेगरी वाइज जैसे EWS के लिए 38 है सिविल में और 4 है मैकेनिकल में और 4 है फिर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 60 है सिविल में और 6 मैकेनिकल में और 7 इलेक्ट्रिकल में है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC में, EBC के लिए सिविल में 64 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 88 है, और BC के लिए 44 और सिविल में और 6 है मैकेनिकल में और 5
इलेक्ट्रिकल में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए चार है, इसमें सिविल में और एक है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। जो ईबीसी की सॉरी ओबीसी की फीमेल है उनके लिए है 13 यानी 13 है सिविल में और एक इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। टोटल इस तरह से 377 जो है वो टोटल सिविल में और 44 यानी 44 मैकेनिकल में और 42 है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसमें 35% इसमें भी जो है वो लेडीज़ को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है टोटल, और जो है ये 40% उसमें निःशक्त यानी कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है, जो भी आरक्षण का नीति है वो राज्य सरकार का जो आरक्षण का पॉलिसी है उसको ये फॉलो करेगा, और इसका मानदेय यानी कि जो सैलरी है 27,000 रुपये महीने, 2700 पर मंथ आपको मिलेंगे अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी क्वालिफिकेशन है वो AICTE से अप्रूव्ड जो कॉलेज है उनमें सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए और ये मेन यही बात है। और उसके बाद है कि उम्र जो है इसमें एज आपका अगर अनारक्षित पुरुष के लिए यानी कि अनडिजर्व मेल के लिए 37 ईयर और बीसी और ईबीसी के लिए 40 साल मेल फीमेल दोनों के लिए, और अनडिजर्व फीमेल के लिए भी 40 ईयर्स और अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 42 यानी 42 ईयर्स। ठीक है, नियोजन की अवधि जो है आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से यानी कि जिस दिन आपका नियोजन होगा उस दिन से अधिकतम 1 वर्ष, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल, ठीक है, या जो उक्त पद है उसका नियमित होने तक यानी कि जो भी जो रेगुलर वैकेंसी जो है उसके नियुक्ति होने तक, ये दोनों में से आपको जो पहले आ जाएगा उसमें आपको वहाँ तक रखा जाएगा। जैसे आपको 1 वर्ष हो गए तो उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों में से जो पहले हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वहाँ पे आपको देखा जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों में से जो पहले होगी वहाँ पे, जैसे आपका 1 साल पूर गया तो आपको हटा दिया जाएगा, या फिर जो उससे पहले अगर 1 साल से पहले आप अगर रेगुलर वाले आ गए तो उससे पहले ही आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका 1 साल हो गया फिर भी आपको देखा जाएगा कि आपका जो है परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल में है, तो आपको 1-1 साल करके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बात है। ठीक है, तो और इसका जो ये आवेदन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और 19/12 से यानी कि आज जो है 17 है तो परसों से 8 जनवरी तक इसको भरा जा सकता है, 19 दिसंबर से 8 जनवरी के शाम 7 बजे तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, उससे ऑफलाइन कुछ नहीं आपको भेजना है। ठीक है, जो भी उससे उसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा वहीं पे। ठीक है, उसके लिए ये वेबसाइट है www.arvan.bis.nic.in पे आपको इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो है इसके वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, 19 के बाद ये arvan.bis.nic.in पर जा करके वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का। ठीक है, वो उसको आप ओपन करेंगे और उसके बाद क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप दूसरे दिन या फिर किसी दिन आप रजिस्ट्रेशन करके अगर आप दोबारा खोलना चाहें तो उसको लॉगिन पेज पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसको लॉगिन के टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और जो इमेज है वो 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ये जो सिग्नेचर और आपके फ़ोटो हैं वो JPG फाइल में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में, और जो डॉक्यूमेंट है वो आपके 400 KB और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और
उसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है, अपलोड करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे, और जो फाइनल सबमिट करने के बाद किसी भी परिस्थिति में एडिट का ऑप्शन आपको नहीं प्रदान किया जाएगा। आवेदन भरने के दौरान यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो लॉगिन पेज पर लिंक के माध्यम से उन्हें आप फिर से रिसेट ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन आईडी आपको जनरेट होगा जो आवेदन के ऊपर लिखा होगा, ठीक है, उसे आप अपने पास नोट करके रख लेंगे, या फिर जो प्रिंट आउट है वो अपने आप एक प्रति जो है प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आवेदन के लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि पूर्णतः ये निःशुल्क है फॉर्म, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा इसी आधार पे होगा, जो मार्क है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और जो जिस टाइप से आपके मार्क्स हैं, जैसे डिप्लोमा में हो गए, 10th 12th में हो गए, उसी तरीके से आपका मार्क के आधार पे आपका मेरिट बनेगा और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मेनली जो क्वेश्चंस थे आपके माइंड में कि जो जो क्वेश्चन किस डिपार्टमेंट में है, तो अब आपको पता चल गया होगा कौन से डिपार्टमेंट में है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में ये वैकेंसी आई हुई है। कितना है तो 463 टोटल है सीट, और जिसमें सिविल का है 377, मैकेनिकल 44 और इलेक्ट्रिकल 42। कॉन्ट्रैक्ट है, ये परमानेंट है कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता हो गया होगा, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप भर सकते हैं। फॉर्म में फ़ी कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। सैलरी कितना है तो 27,000 पर मंथ है। कब से फॉर्म भरा जाएगा तो 19 दिसंबर से भरा जाएगा, कब तक, 8 जनवरी के शाम 4 बजे तक, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसके बारे में आपको अपडेट रेगुलर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आने वाला सारा अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।